वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम सेंटर है। अभी एग्जाम सेंटर के 20 अटेंड किए हैं। अच्छा, और आई थिंक एक्यूरेसी मोर देन 80% आएगी। जो पूरा एक साल तैयारी में लगाया था वो एक तरह से उसका वेस्ट हो जाता है। सही कितने हो जाएंगे? सब सही है लगभग हमारी तरफ से। सब सही करके आए हैं। शेर कहाँ से हो? हम तो इतनी तैयारी करके जो ना पेपर देते हैं फिर भी ऐसे होता है, और जो नई तैयारी करते हैं ऐसे पेपर खरीद लेते हैं, फिर उनका क्या मतलब है? अब क्या ना, सारे कर नहीं सकते, तुक्के मार नहीं सकते। पहला पेपर तो हम जब लेके बैठे थे उस समय ठीक था, अच्छा था, पर क्या जस्ट 10 मिनट बाद आपातकालीन आउट होने की वजह से। नमस्कार, राम राम, क्षमा गणी, मैं पृथ्वीराज, और आज हम लोग आए हुए हैं जोधपुर में, और जोधपुर के पाल बालाजी में। यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम सेंटर है। अभी एग्जाम सेंटर के जस्ट आगे मैं खड़ा हूँ। आज विज्ञान विषय का पेपर था और अभी पेपर ख़त्म हुआ है। अभ्यर्थी है जो एग्ज़ाम देके बाहर आने लगे हैं। आज सुबह जीके का पेपर आउट भी हो गया था, वो सब जानकारी अभ्यर्थियों से जो लेने वाले हैं। नमस्कार जी, कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा हुआ मेरा। अच्छा हुआ। कितने क्या क्वेश्चन करके आए हो, क्या लग रहा है? अराउंड 120 अटेंड किए हैं। अच्छा, और आई थिंक एक्यूरेसी मोर देन 80% आएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। सा इतना बढ़िया पेपर करके आए हैं, और सुबह वाला पेपर का क्या सीन हुआ? सुबह तो ये था कि पेपर शुरू हुए 15 मिनट ही हुए थे जी, और एक मैम आती और उन्होंने बोला है कि एडीओ मैम का आदेश आया है कि आपका पेपर आउट हो गया, इसलिए परीक्षा ये निरस्त की जाती है, वापस होगी। तो उस टाइम एक बार क्विक जो आपके ऊपर असर पड़ा, वो कैसा असर पड़ा था, क्या महसूस किया आपने? क्विक असर तो यही होता है कि चलो हम तो यहाँ पड़ोस में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। कोई अगर गांव से मॉर्निंग में बस पकड़ के इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के आया है तो उसने अपना टाइम भी वेस्ट किया है, उसने अपने पैसे भी वेस्ट किए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने अपने जो पूरा एक साल तैयारी में लगाया था वो एक तरह से उसका वेस्ट हो जाता है। उससे विद्यार्थी हतोत्साहित होते हैं और आगे और भर्तियों में उनका जो फॉर्म भरने का जो इससे चलन होता है उसमें कमी आएगी। उनका मनोबल है जो कहीं ना कहीं जो टूटता है। सरकार से क्या कुछ है जो आप शिकायतें करने चाहते हो ये पेपर जो आउट हुआ इसको लेकर? सरकार से शिकायतें ये करने चाहते हैं कि जब भी आप इस तरह का कोई भी एग्जाम कराए तो इसमें जो आप कंट्रोल रूम बनाते हैं उन कंट्रोल रूम पर जिन भी अधिकारियों की और जिन भी शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, पहले उनका बैकग्राउंड ये चेक कर ले क्या वो किसी तरह से इस तरह की किसी भी परिस्थिति में संलिप्त तो नहीं रहे। क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी में आया है कि ये पेपर कंट्रोल रूम से ही लीक हुआ है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया, बिकॉज पेपर तो जो सेंटर है वहाँ पर तो अर्ली मॉर्निंग आया, वहाँ से आउट होने की संभावना है, अर्ली मॉर्निंग है। दैट मीन्स जो कंट्रोल रूम जो 7-8 जिलों के अंदर जो कंट्रोल रूम बनाए गए उसी स्तर पर अगर ये पेपर लीक हुआ या फिर ये प्रेस के स्तर पर लीक हुआ होगा तो इसमें जो बड़े अधिकारी है उनकी संलिप्तता के बगैर ऐसा होना संभव नहीं है। बिल्कुल, इनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं है जो अधिकारी भी इसमें शामिल हैं वो लोग भी पेपर आउट कराने में लिप्त है जो पाए जा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। कैसा क्या आपका साइंस का पेपर कैसा हुआ? साइंस का पेपर अच्छा था। कितने अटेंड करके आए क्वेश्चन? लगभग 91 अटेंड किए। 91 कर दिए। सही कितने हो जाएंगे? सब सही है लगभग हमारी तरफ से। सब सही करके आए हैं। शेर कहाँ से हो? मैं बोरुंदा से। बोरुंदा से हैं। सारे क्वेश्चन सही हो गए। जीके वाला पेपर जो आउट हो गया उसके बारे में क्या कहना आप? देखो उसमें तो सरकार भी थोड़ी बहुत लचीलापन है, इसलिए आउट हो रहे पेपर बार बार, और स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्टूडेंट के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो स्टूडेंट बर्खास्त है, जो नहीं करेंगे, और भी जो कैंडिडेट हैं उनके साथ हम जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। एग्जाम आपका पेपर आज का कैसा हुआ अभी साइंस का? ठीक था। ठीक ठाक। कितने क्या क्वेश्चन है जो अटेंड करके आए हो? 120 के आसपास। 120। कितने टाइम से पढ़े, कितने टाइम से कर रहे थे? लगभग 7-8 महीने से। 7-8 महीने से लगातार अभ्यर्थी है जो तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद में जब पेपर आउट हो जाता है तो उनके साथ में क्या बीतती है? सुबह जैसे आपको लगा कि पेपर आउट हो गया है तो आपने क्या फील किया, आपको क्या लगा? इतनी तैयारी करने के बाद भी पेपर आउट हो जाता है तो फिर वापस से पेपर देना, फिर उनके लिए तो जो तैयारी करे उनके लिए तो बहुत ही फिर उनके लिए तो ऐसे ही होता है कि अभी इतनी तैयारी करते हैं उसके बाद भी आउट हो जाता है तो फिर तैयारी करने का क्या मतलब है? मतलब कहीं ना कहीं अपना जो भरोसा होता है वो टूट रहा है सरकार के प्रति। हाँ वही तो, हम तो इतनी तैयारी करके जो ना पेपर देते हैं फिर भी ऐसे होता है, और जो नई तैयारी करते हैं ऐसे पेपर खरीद लेते हैं, फिर उनका क्या मतलब है? अच्छा, मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ में गलत हो रहा है, इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में? उतना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका और कहाँ से? राजेंद्र चौधरी, यहीं से, जोधपुर से। जोधपुर से यहाँ। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम अच्छा था। कितने क्या क्वेश्चन अटेंड करके आए हो? मैंने 91 अटेंड किए हैं। 91 अटेंड किए हैं 150 में से। काफ़ी क्वेश्चन आपने अवॉइड कर दिए, क्या कारण इसका? अब क्या ना, सारे कर नहीं सकते, तुक्के मार नहीं सकते। पेपर अच्छा था। अच्छा। बाकी बायो थोड़ी टफ थी, बाकी
बढ़िया था, केमिस्ट्री अच्छी थी। अच्छी थी केमिस्ट्री, क्या लगता है हो जाएगा? फर्स्ट पेपर तो हुआ नहीं, सुबह ही रद्द हो गया। अच्छा, फर्स्ट पेपर रद्द हो गया है। पेपर रद्द कैसे हो रहा है, क्या कारण है इसका? अब क्या करें, सरकार रैलियाँ करवाएगी तो यही होगा ना। भारत जोड़ो करवा रहे हैं वो उधर। हाँ वो तो वो जोड़ रहे हैं भारत, यहाँ पे बेरोजगार जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, और क्या। मतलब एक बेरोजगार ही बेरोजगार को समझ सकता है, क्या बीतती है आपके ऊपर जब इतनी तैयारी करने के बाद में पेपर आउट हो जाए? देखो साहब, रात भर सोए नहीं, बिल्कुल आए यहाँ पे एग्जाम देने, सुबह यहाँ पे आते हैं एग्जाम देते हैं, आधा घंटा होता है एग्जाम का, एग्जाम ही रद्द हो गया, क्या मतलब। ओके भाई, आपको जैसे वही चीज होगी ना, तो सबको पेपर दे दो क्या भाई, ये लो पेपर कर लो तुम लोग। अब आने मारवाड़ी में बात करूँ तो ऐड होगी हो कि भीन ने तोरण माते बुलाने पाचो मेल दियो। हाँ सही बात है साहब, अब पूरी तैयारी करके यहाँ पे आए, फिर वो पेपर का लेवल भी अच्छा था, अब वो आज तक का तो यही हिस्ट्री रही है। पेपर आपने देख भी लिया मतलब फटाफट में? हाँ तो देखा ना, फिर अब पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ एक बार पहले पूरा देखते हैं, उसके बाद में वापस करना स्टार्ट करते हैं। देखा बहुत अच्छा पेपर, यानी 40 मिनट बाद हमारे वो रद्द किया था। तो कहीं ना कहीं जो ये भी शंका रह जाती है कि भाई वो पेपर अच्छा था, मैं वो देता तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता और मेरे लिए। देखो आज तक तो यही रहा है, वो हिस्ट्री रही है क्या कि जो पेपर आउट होता है ना उसके बाद में दूसरा पेपर होता है वो बहुत टफ आता है, बहुत टफ बनाता है। हाँ। क्योंकि वो ये सारे क्वेश्चन तो उनको अवॉइड छोड़ने पड़ेंगे, इनके अलावा ढूंढेंगे तो फिर और टफ हो जाएगा निश्चित तौर पर। अब देखो ना, पहले बनाते 20 पेपर, उनमें से 20 में से 5 लेते, एक 20 में से एक ही पेपर लेंगे तो फिर उसमें तो होगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी। जी नमस्कार भाई साहब, क्या नाम और कहाँ से? मेरा नाम मदन सिंह है, मैं बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर वाले शहर है भाई, कल परसों जो बाड़मेर के विद्यार्थी स्पेशल मिले थे मुझे, वो बहुत ज़्यादा है जो होशियार होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल सर, पहले हमारे थार में मरुस्थली प्रदेश में क्या है, पहले पढ़ने वाले युवा नहीं थे। हाँ। पर आजकल हमारे राजपुरोहित प्रेम सिंह जी संकल्प क्लासेस चलाते बाड़मेर में। हाँ। और सक्सेस पॉइंट गणपत जी हमारे भाई साहब। हाँ। अभी एजुकेशन को लेकर बाड़मेर में अच्छी क्रांति है भाई साहब, बाड़मेर एजुकेशन हब बन चुका है, अब जो बाड़मेर के विद्यार्थी उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाड़मेर एक जयपुर के मुकाबले है अभी। अच्छा, आज का पेपर में क्या हुआ, कैसा हुआ आपका? बिल्कुल सर, पहला पेपर तो हम जब लेके बैठे थे उस समय ठीक था, अच्छा था, पर क्या जस्ट 10 मिनट बाद आपातकालीन आउट होने की वजह से पेपर वो तो नहीं हुआ, रद्द हो गया। अभी सेकंड पेपर है उसको लेके अच्छा था पेपर, अच्छा लेवल था और मस्त पेपर हुआ। कितने क्वेश्चन है जो अटेंड कर दिए? बिल्कुल सर, मैंने 130 क्वेश्चन अटेंड किए और 150 क्वेश्चन थे टोटली। 130 क्वेश्चन इन्होंने जो अटेंड कर दिए हैं, उसमें से कितने आपको लगता है सही हो जाएंगे? जी बिल्कुल सर, मुझे 120 प्लस सही लगते हैं और 8-10 क्वेश्चन मैंने मेरी रिस्क पे किया। अच्छा, थोड़ा बहुत तो रिस्क हर विद्यार्थी है जो लेता ही है एग्जाम में। और क्या कहना चाहते हैं आप राजस्थान सरकार की जो ये है एग्जाम कराने की जो तरीके हैं और पेपर जिस प्रकार से आउट हो रहे हैं, उन सबको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं राजस्थान की सरकारों को यह कहना चाहता हूँ कि हर एक बेरोजगार युवा है जो गरीब क्षेत्र से बिलोंग करता है, उस युवाओं को आप देख लो कि उनका इकोनॉमिक वीकली स्थिति होने की वजह से ही बंदे गवर्नमेंट की जॉब को लेकर तैयारी करते हैं। बिल्कुल। तत्पश्चात अभी इस प्रकार से अगर आउट होते जाएंगे तो हर एक युवा के साथ बेदखली हो रही है। हाँ। और उनके साथ बुरा हो रहा है। एक एग्जाम आता है उसकी तैयारी करने के लिए युवा लगभग कितना टाइम है जो उसको देता है, कितने टाइम तक आपने तैयारी की? मैंने देखो ना, मैं हर एक युवा की बात करते हैं कि हर एक युवा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो उसको 1.5 से 2 साल लगते हैं। बिल्कुल। अब बेरोजगार युवा, उसके पास खर्चे के लिए भी घर से मंगवाने पड़ते हैं, कई युवा ऐसे भी है जिनको पैसे ब्याज में लेके पढ़ना पड़ता है, वो सोचते हैं कि पढ़ के अच्छे हो और घर वालों के सपने साकार कर पाए, पर नहीं हो पाते क्योंकि अभी पेपर इस तरह से आउट होते हैं तो फिर धोखा ही है सर। तो दोस्तों, हम यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर आए, जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बोला था कि मैं सेंटरों पर जाने वाला हूँ जहाँ पर स्टूडेंट हैं उनसे मिलने वाला हूँ, स्टूडेंट से मिले, उनकी तकलीफ को जाना और पेपर जो आउट हुआ उससे वो कितने ना खुश हैं, वो भी स्टूडेंट ने जो अपनी जो मन की बात थी, जो उनका आक्रोश था, वो हमारे साथ में शेयर किया। और आपने भी जाना कि एग्ज़ाम का क्या कुछ लेवल था, कैसा कुछ एग्ज़ाम हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।